गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुकून वाटरफॉल में। अभी पानी गिर रहा है इसलिए हम लोग छाता लगा लिए हैं और ये अपना गाड़ी है। अभी हम लोग पास में पहुंच चुके हैं। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं धसकुंड वाटरफॉल के पास में। फिलहाल तो अभी यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर में है और पीछे जाएंगे आप लोगों को अगर नजर आ रहा होगा तो देख सकते हैं ये वाला रोड जो जाएगा सिरपुर के लिए जाएगा। सिरपुर यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये वाला जो रूट है ना कसडोल के लिए, कसडोल यहाँ से लगभग होंगे कम से कम 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा और इसी रास्ते से आप लोग जा सकते हैं लावकुश मंदिर जो कि फेमस मंदिर है तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। ये वाला जो है रास्ता गया हुआ है सिरपुर से आने के बाद लगभग लगभग वही 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस आने के बाद आपको ये कच्ची सड़क मिलेगा। तो सिरपुर से आते हो तो आपको राइट साइड लेना पड़ेगा, अगर आप कसडोल से आते हो तो आपको लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ये कार है, हम लोग कार से आए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं जय माँ चामुंडेश्वरी जय माँ चांदादाई करके लिखा धसकुंड झरना समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। ये देखो धसकुंड झरना जल प्रपात यहाँ से 4 किलोमीटर और जाने का रास्ता ये है, यहाँ से चलेंगे तो ये कच्ची सड़क है। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धसकुंड वाटरफॉल में। अभी पानी गिर रहा है इसलिए हम लोग छाता लगा लिए हैं और ये अपना गाड़ी है हमारे भाई लोग, ये देखिए सामने में है और अभी जाएंगे आगे में है वाटरफॉल तो आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, ये मेरा दूसरा तीसरा टाइम है, देखते हैं इस बार कैसा पानी का जो बहाव है। गाइस तो अभी हम लोग जो है छाता लगाए हुए हैं और आप लोगों को दिखलाने के लिए हम जा रहे हैं धसकुंड वाटरफॉल जो कि बहुत ही फेमस है। सिरपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग ये अंदर आने के बाद 15 से 16 किलोमीटर के आसपास में ही होगा। तो ये देखिए हम पहुंचने ही वाले हैं पास में और बारिश में हम लोग जो है वाटरफॉल का वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए। अभी टाइम की अगर बात किया जाए तो अभी 5:30 बज चुके हैं और यहाँ का टाइमिंग मैं बता देता हूँ। यहाँ का जो टाइमिंग वैसे स्टार्ट होता है सुबह से चालू हो जाता है लेकिन जो यहाँ से जाने का टाइमिंग है 6 बजे आप लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पे ना बताते हैं कि ये जंगली जानवर आते हैं शाम को, कभी भी आ जाते हैं बट जानवर का कोई वो नहीं रहता, कभी भी आ जाता है। तो कोशिश करना कि आप लोग यहाँ से 5:30-6 बजे के आसपास यहाँ से चले जाए, अगर पहले आ जाते हैं तो पहले चले जाइए। और अभी हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे पहुँचे हैं, वहाँ पे जब हम लोग एंट्री कर रहे थे वहाँ पे स्टार्टिंग में तो मतलब वो बोल दिए कि 6 बजे तक आप लोग वापस आ जाना। हम लोग बोले जितना जल्दी होगा हम लोग फटाफट वीडियो बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। पानी गिर रहा है इसलिए हम लोग को छाता लगाना पड़ रहा है। तो ये है धसकुंड वाटरफॉल, हम पहुंच चुके हैं नज़दीक में और यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा पत्थर भी है और यहाँ पे देखो पेड़ कटा हुआ है, भैया लोग जो है चिल्ला रहे हैं यहाँ पे और ये बेहतरीन नज़ारे के साथ आप लोगों को दिखाने वाले हैं पास में जाकर। गाइस तो ये देखिए खूबसूरत सा वाटरफॉल और यही पानी बहते बहते यहाँ पे देखिए पानी जा रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारे है, पास जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा दूर है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये देखिए वाटरफॉल इस तरह से है, पानी इस तरह बह रहा है, भैया लोग हैं जो वहाँ पे है। गाइस तो मतलब ये जो है पानी में ऐसा मतलब छाता लेके फर्स्ट टाइम जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, अधिकतर जो है मैं छाता लेके नहीं बनाया लेकिन फर्स्ट टाइम है जो छाता लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ इस बार। तो प्लान ऐसा था हम लोग का, आगे गए थे हम लोग घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी पानी मस्त भरा हुआ है, आगे झरना है। ये देखिए गाइस क्या सुंदर नज़ारे, इस बार बहुत ही ज़बरदस्त पानी है और पिछली दफ़ा जब मैं आया हुआ था ना तो यहाँ पे पानी का जो लेवल था ना वो बहुत कम था, पानी हल्का हल्का जो है गिर ही रहा है अभी भी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इस साइड में दिखलाते हैं। वैसे तो आगे में काफ़ी लोग जो है पहुँचे हुए हैं, बाकी मैं यहाँ से आप लोगों को जो है वाटरफॉल का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये गाइस एक नंबर बेहतरीन, आप लोग देख सकते हैं एक नंबर और इस बार जो है पानी का लेवल मतलब ज़बरदस्त है, इस बार आप लोग देख सकते हैं
ये देखिए क्या नज़ारे है, पास में काफ़ी लोग जो है पहुँचे हुए भाई, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप लोग बिल्कुल पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में ही आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ठंड के मौसम में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है बरसाती वाटरफॉल है, और बरसाती वाटरफॉल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहीं पर आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल है जो 12 महीना चलता है, बट ये कुछ कुछ जो वाटरफॉल है जिसमें से धसकुंड वाटरफॉल है वो जो है बरसाती वाटरफॉल है, और पास में काफ़ी लोग जो है पहुँचे हुए हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे और आप लोगों को दिखलाते हैं, बाकी देख सकते हैं पानी का धार इस तरह भाई, एक नंबर ज़बरदस्त पानी बह रहा है यहाँ पे, और हल्का हल्का बारिश अभी भी हो रहा है, हम लोग छाता लिए हुए हैं, और ये देखिए पानी इस तरह से बहते हुए अभी जा रहा है आगे की तरफ, ये देखो एक नंबर नज़ारे भाई। चलिए आगे चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, जहाँ पर झरना ऊपर से गिर रहा है। अभी हम लोग पास में पहुँच चुके हैं, बहुत शानदार नज़ारे भाई साहब, एक नंबर। मैं पास में आ चुका हूँ, देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अभी भी। ये देखिए अभी टाइम की अगर बात किया जाए तो 5:40 हो चुके हैं, और हल्की हल्की जो है अभी भी बारिश हो ही रहा है। ये देखिए एक नंबर, सब लोग अभी जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखिए उस तरफ भी काफ़ी लोग जो है ऊपर की तरफ है, तो उस तरफ अपन नहीं चलेंगे, अभी बारिश हो रही इसलिए। ये देखिए सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं धसकुंड वाटरफॉल तो आप लोग पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं कुछ कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। गाइस तो आप लोगों को जो है धसकुंड वाटरफॉल का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकते हैं, बारिश के समय आप लोग आओगे तो यहाँ पे वाटर लेवल देखने को मिलेगा। अगर आप ठंड के मौसम में अगर आपका आना होता है तो उस समय थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जो है पिछले साल के अपेक्षा इस बार जो है अच्छा खासा जो है पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। तो आप लोग आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस हफ्ते में आप लोग आ सकते हैं, या बारिश होगा तो उस समय भी आप लोग यहाँ पे पहुँचिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।